वैसे तो हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु आज हम आपको भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर पूरे भारत से लोग यहां आते हैं। लेकिन इस मंदिर की एक खास बात है, यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार खुलती है और वह भी सिर्फ 12 घंटों के लिए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में यह मंदिर मौजूद है। यह मंदिर सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मशहूर है। यूनिक कुष्ठ प्रेजेंटिंग लिंगेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़। कोंडागांव जिले के अलोर की पहाड़ी में गुफा के अंदर स्थित इस मंदिर में शिवलिंग की स्त्री रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, इसलिए यहां दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। जंगल के बीच में मौजूद इस मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों के मन मोह लेती है। यह मंदिर पहाड़ों में काफी ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर से जुड़ी दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। इस मंदिर में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ मनौती मांगने का तरीका भी निराला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को खीरा चढ़ाना आवश्यक होता है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा के पश्चात दंपत्ति को वापस करता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी जरूर होती है। इस मंदिर से जुड़ी दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन की पूजा के पश्चात मंदिर बंद कर दिया जाता है तथा इस मंदिर के सामने रेत डाल दिया जाता है। इसके अगले साल इस रेत पर जिस जानवर के पद चिन्ह मिलते हैं, पुजारी उससे अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाती है। यदि बड़े जानवरों जैसे हाथी के पांव के निशान अगर रेत पर मिले तो इसे शुभ माना जाता है। यदि बाघ के पैर के निशान रेत पर मिले तो इसे आतंक का संकेत माना जाता है। यदि छोटे जानवर जैसे बिल्ली या मुर्गी के पैर के निशान रेत पर मिले तो इसे अकाल होने का संकेत माना जाता है। क्या आपने कभी इस मंदिर के बारे में सुना था? यदि हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।